अच्छा, सबसे बड़ा मजाक तो तब हुआ जब मेरे को मेल आया इनका। मैंने मेल पढ़ा, मैंने कहा टेडेक्स, कह रहे सर आपको इंस्पायर करना है। मैंने मैंने फिर पढ़ा, मैंने कहा क्या करना है, कह रहे आपको इंस्पिरेशन देनी है लोगों को, स्पीच देनी है। खैर आपको सच बताऊं तो आई एम नॉट वर्थ इट, मैं किसी को इंस्पायर करने के लायक नहीं हूं, मैं बस अपना काम कर रहा हूं। और शायद मेरा काम इसलिए लोगों को अपील करता है क्योंकि आप लोग खुद में मुझ में अपने आप को देखते हैं। सही बात है कि नहीं? एक मिडिल क्लास लड़का यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा है और आप ही की अंदर की बातें हैं जो मैं बाहर रख रहा हूं लोगों के सामने। लोग इसलिए अपील कर रहे हैं कि इसने ये दिल की बात छू ली, इसने क्या बात बोली, मतलब क्या बोल दिया इसने। तो बीबी के वाइंस कितने लोग देखते हैं यहां पे? थोड़ा सा गलत सवाल, कितने नहीं देखते? क्या बात कर रहे हो, ऐसा है क्या? वो नहीं देखते? अच्छा, तो तुम्हारे लिए और सारे टीचर्स के लिए, सर मेरा नाम भुवन बाम है और मैं एक यूट्यूब कॉमेडी चैनल चलाता हूं बीबी के वाइंस के नाम से। थोड़ी धार्मिक किस्म की वीडियोस बनाता हूं मैं उस पर। वो वीडियोस इतनी धार्मिक है कि पूरा परिवार देख सकता है लेकिन अलग अलग बैठ के। तो अभी मैं सोच रहा था कि बाय द वे मेरे को परसों बीबी के वाइंस को एक साल पूरा हो गया। वैसे एक साल ये इतना रोलर कोस्टर राइड रहा मेरे लिए। एक साल में मैंने 75 वीडियोस अपलोड किए और थैंक्स, आई एम श्योर यहां पे जितने भी बैठे हैं मनी मन उनका कोई पैशन है कि नहीं? किसी का कोई पैशन है, किसी का डांसिंग है, किसी का म्यूजिक है, किसी का फोटोग्राफी है, किसी का इंस्टा पे फेक आईडी बनाने का भी पैशन होता है। मेरे को अभी भी याद है मैं इंस्टाग्राम पे था नहीं, मेरे को किसी ने बोला बाम तेरे इंस्टाग्राम पे 75,000 फैंस हो गए। मैंने कहा मैं हूं ही नहीं उस पे। तो कह रहे जाके देख कौन है। फिर मैं गया उस पे तो वो बंदा मुझे मैसेज कर रहा है वेलकम सर। मैंने कहा भाई क्या कर रहा है तू, ये फेक आईडी बना के क्यों कर रहा है? कह रहे सर आप थे नहीं, मैं खाली बैठा था, मैंने पेज बना दिया, लोग आए, लोग ऐड करते गए और मेरे को भी मोटिवेशन मिल गया। तो मैंने उसको कहा देख सिंपल सी बात, मेरे को नहीं चाहिए तेरी आईडी, तू ये जो फैन बेस है इंस्टाग्राम पे इसको बना के रख, इसको आगे बढ़ाते जा, बट मेक श्योर यू डोंट रिप्लाई टू एनीवन। क्योंकि मेरे को अभी भी याद है मेरे इतने फेक पेज बने हुए हैं और वो एडमिन एक होता है बेवकूफ संकी लोग अपने पेज पे क्या डाल रहे हैं, हाय गर्ल्स एड मी। और कुछ लोग भी इतने बेवकूफ हैं वो पढ़ उसके पेज पे रहे और इनबॉक्स मुझे आ रहा, आपको शर्म नहीं आती आप ऐसे मैसेज कर रहे हो हमें, आप हमें ये मांग रहे हो, हमारे नंबर मांग। तो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं कि बीबी की वाइंस, मतलब अगर आप कोई पैशन फॉलो करते हो और अगर आपका वो सिक्का चल जाता है, अगर आप लोगों की नजर में आ जाते हो और जब आपको लोग देखने लगते हैं बहुत तादाद में, तो उसके प्रोज होते हैं और उसके कॉन्स होते हैं। मेरे साथ सबसे बड़ा कॉन्स, जो कॉन था मेरा बीबी के वाइंस का, वो ये था कि मैं अपने मम्मी पापा से बात नहीं कर पाया। मेरी मम्मी को सबसे पहले वीडियो दिखाई उनके ऑफिस के किसी कलीग ने कि मैडम ये भुवन है, कौन सी वैलेंटाइन होती आपा वाली। अब लंच ब्रेक था, अब लंच ब्रेक में मम्मी बैठी, कह रही ये तो भुवन लग रहा है। कहता कि उसने वीडियो डाली, कहती अच्छा लाओ दिखाओ, बिना हेडफोन के ऑफिस में वो वीडियो चला दी। शुरू के 5 सेकंड में एक ऐसी लाइन आई समीर की लाइन आई और मम्मी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। लंच ब्रेक के बाद मुझे फोन आता, तू क्या करता है यूट्यूब पे? मैंने कहा वीडियोस बनाता हूं। कहती कौन सी वीडियोस बनाता है? मैंने कहा फनी वीडियोस। ये देखते हैं लोग, लोगों को ये पसंद आता है, ये क्या है ये सब? मैंने कहा मम्मी हैं देखने वाले लोग हैं। तो अच्छा शुक्र है मम्मी को पता लगा, पापा को तो अभी तक पता ही नहीं है। पापा अभी तक कंफ्यूज है कि लड़के आते हैं फोटो खिंचाते चले जाते हैं क्यों। एक दिन मुझसे पूछ रहे क्या करता है, मैंने कहा वीडियोस बनाता हूँ। कह रहे कौन सी? मैंने कहा ऐसी फनी टाइप की। कह रहे दिखाओ। मम्मी ने पीछे से आवाज लगा दी, मोटर ऑन कर दो जल्दी। तो मेरी माँ का मेरे साथ इतने कूल पेरेंट्स हैं, मेरे को भगवान की दया से इतने कूल हैं। दोनों को पता है मैं कुछ करता हूं पर दोनों एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते कि मैं क्या करता हूं, और दोनों का मेरे पे प्यार है तो ये बना हुआ है।
तो ये एक कौन हो गया इसके साथ, और एक कौन ये हो गया कि जैसे जैसे आपका ग्राफ ऊपर जाता है, जैसे जैसे आप लोगों से मिलते हो, जैसे जैसे लोगों की नजर में आते हो, तो आपके अंदर एक प्रेशर बिल्डअप होने लगता है। अगर मेरी ये वीडियो 1 मिलियन छू गई तो उसके अगली वीडियो भी उसी के आसपास जानी चाहिए, नीचे नहीं उसके ऊपर। तो वो एक प्रेशर लेके जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे पता है ये लोगों को, शायद मेरे को लगता है, लोगों को लगता है कि बहुत आसान है करना, मतलब लोगों को हंसाना नो डाउट बहुत मुश्किल है, पर जो मैं कर रहा हूँ वो शायद अभी इंडिया में कोई नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा जो पहली बात जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो जीरो है, क्योंकि मैं नेक्सस से वीडियोज़ बनाता हूँ फ्रंट कैमरा से, और अभी ऐसा सीन है कि मैं 20 मिनट तक अपना हाथ ऐसे रख सकता हूँ और 20 मिनट तक मैं वो कंटिन्यूसली वीडियो बना सकता हूँ। और जहाँ तक एक और कौन की बात है कि जब आपको लोग जानने लगते हैं तो आपके पास ब्रांड्स आते हैं ब्रांड प्लेसमेंट के लिए कि प्लीज़ आप हमारा ब्रांड अपनी वीडियो में डालो। सबसे दुखद घटना क्या होगी, मेरी पहली ब्रांड एंडोर्समेंट एक कॉन्ट्रासेप्टिव ऐड की थी जो अभी प्रोसेस में है, कोई नहीं है तो है, अच्छा ये तो हो गई। तो वो एक्साइटमेंट इतनी थी मेरे अंदर, मैं उछलता कूदता मम्मी के पास, मैंने कहा हर बार की तरह इस बार भी हो जाएगा, मैंने कहा मम्मी ब्रांड मिल गया, कहती कौन सा, मैंने कहा जबरदस्त, कहती है क्या, मैंने कॉन्ट्रासेप्टिव, कह रही क्या, मैं कॉन्ट्रासेप्टिव का ब्रांड है, कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, मम्मी कॉन्डम, क्यों क्या ये सब। तो मैंने कहा है उनको पसंद है तो क्या करेगा तू उसमें मैं मम्मी एक वीडियो बनाऊंगा, उस पर कौन सी वीडियो बनाएगा तू, मैंने कहा ब्रांड प्लेसमेंट करनी है, कह रही खबरदार वो चीज इस घर में आई तो। मैंने कहा ऐसा है, अब इतने में माहौल गर्म ही था घर में, तो इतने में अगले दिन कोरियर वाला आ गया इतना बड़ा डब्बा लेके, और रिसीव किसने किया, पापा ने। अब पता क्या है, अब जब कोई बंदा रिटायर हो जाता है ना तो उनके पास दो चीजें रहती हैं, तीन चीजें, पहली चीज सुबह उठ के मोटर ऑन करनी है, दूसरी चीज पूरा अखबार चाट जाना है, और तीसरी चीज जो भी आ रहा है ना कोरियर उसको खोल खोल के देखना है, अगर वो मेरा भी है तो उस पर भी खोलेंगे। तो उस पर लिखा हुआ था फॉर भुवन बाम एंड कंपनी का नाम लिखा था, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने खोला और मैं घर पे भी नहीं था, खोला मेरे को फोन आता है, क्या है ये सब, मैं क्या है बाबा, कौन क्या भेज रहा है तेरे को ये सब, मैंने कहा पापा क्या भेजा है, तेरे को नहीं पता क्या भेजा है, मैं क्या है बताओ तो सही, कह रहे इस पे फिर कंपनी का नाम लिया, मैं ड्राइव कर रहा था और मैंने गाड़ी साइड में लगाई मैंने कहा पापा सुनो, मैंने कहा ब्रांड एंडोर्समेंट है, कह रहे बेटा तू गलत राह पे चल रहा है, गलत राह पे चल रहा है, बहुत गलत राह पे चल रहा है बेटा, करियर की स्टार्टिंग में तूने ऐसा ब्रांड ले लिया, तू आगे क्या करेगा बेटा। मैंने कहा पापा चिल मारो, उस दिन मुझे पता था घर पे जाके सन्नाटा होने वाला है, कोई किसी से बात नहीं करने वाला है, सारे बैठ के IPL देखेंगे। अब क्या हुआ, मैं घर में आया तो घर पे अलग ही सीन, मैं घर में घुसा हूं और पापा अरे राजा बेटा मेरा आजा बैठ जा, मम्मी अरे आ गया मैंने पराठे बनाए आज, मैंने कहा हाँ ठीक है, मैंने भाई को देखा मैं क्या सीन है, कह रहा मुझे समझ नहीं आया कि ये तूफान से पहले की शांति है कि क्या है। अब सारे बैठे डिनर टेबल पे, वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा, वेरी प्राउड ऑफ यू, मैं क्यों, बहुत अच्छा कर रहा है, मम्मी ने तेरी वीडियो दिखाई, मैं कौन सी दिखाई, कह रही डॉक्टर सैगल वाली, मेरी जान में जान आई, मैंने कहा दिखाई भी तो सबसे सुधरी भी सबसे प्यारी डॉक्टर सैगल वाली वीडियो। और एक होता है ना कि सबसे बड़ा जो आपको टेंशन रहता है जब आप अपना पैशन परस्यू करते हैं वो ये होता है कि आपके माँ बाप कैसे उस चीज़ को लेंगे, क्योंकि पढ़ाई में ऐसा नहीं था मैं बुरा था, पढ़ाई में मैं बुरे से भी थोड़ा नीचे था, और इतना मतलब क्या बताऊँ, मैंने कॉमर्स ले ली, एक तो लाइफ की सबसे बड़ी गलती मैंने ये कि कॉमर्स ले ली मैंने, अकाउंट शीट कभी टैली नहीं हुई मेरी, उसके बाद पता नहीं क्या ट्रेजिडी, पता नहीं क्या कीड़ा काट गया मुझे, मैंने हिस्ट्री ऑनर्स में कर ली ग्रेजुएशन। तो घर वाले यही कहते हैं कि बेटे ने मेरे सब पढ़ लिया है सिवाय इंजीनियरिंग के। तो अब बीबीके वाइंस तो खैर एक साल पहले आया है, बट भुवन बाम जो